सुर्खी थाना क्षेत्र के सहजपुरी खुर्द के युवक द्वारा सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 11 अक्टूबर को जयपाल पिता उधम सिंह ठाकुर उम्र 22 साल निवासी सहजपुरी खुर्द ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसकी 12 अक्टूबर को इलाज के दौरान बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान लिए। बयानों में यह बात सामने आई कि मृतक जयपाल सिंह ठाकुर का करीब 1 साल पहले गांव के बाबू ठाकुर, पहाड़ सिंह, चंद्रभान और राजकुमार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यह लोग आए दिन जयपाल के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते थे। धमकियों के कारण वह काम करने के लिए इंदौर चला गया। नवरात्रि में अष्टमी की पूजा के लिए गाँव आया था। इसी दौरान 11 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे जयपाल के साथ गांव के बाबू ठाकुर और राजकुमार ठाकुर ने गाली गलौज की। गांव वालों के सामने मृतक के गाल पर थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद मृतक के घर के सामने बाबू ठाकुर, पहाड़ से चंद्रभान व राजकुमार हाथ में बंदूक लाठी कतरना लेकर आए। घटना के बाद रात करीब 2:30 बजे जयपाल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जयपाल की मौत हो गई। परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने बाबू ठाकुर, पहाड़ से चंद्रभान और राजकुमार के खिलाफ धारा 306 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। वहीं मृतक जयपाल के कमरे की साफ सफाई करते समय एक सुसाइड नोट मिला था। मृतक के भाई ने सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा है। पुलिस सुसाइड नोट की जांच करा रही है। थाने पर 306/34 IPC का केस पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अग्रिम मामला की जाएगी। कितने लोगों को सत्कार ये अभी 4 लोगों पर केस पंजीबद्ध किया गया है।